स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैडनिंग स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाओ गुणा और भाग दोनों प्रश्नों का यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक को, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन घटाओ को करेंगे, तीसरे में यहाँ पर गुणा को और चौथे में भाग को करेंगे, ठीक है। तो आइए जोड़ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों जोड़ बनाने का यहाँ पर नियम है कि हम लोग कभी भी दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि राइट हैंड से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर शुरू करेंगे और यहाँ पर इकाई अंक से शुरू करके यहाँ पर जो भी अंक है आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो ये देखिए 8 और 2, तो 8 और 2 को दोस्तों हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 को जोड़ना है तो 2 और लकीर मैं यहाँ पर खींच देता हूँ, 1 और 2। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ना है तो सबको एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गए, उसके बाद 9 और ये 10, यानी कि 10 आ गया। तो 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो 10 का ये जो दाहिना अंक है इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हासिल। इसको मैंने यहाँ पर हासिल लिख दिया ताकि हम लोग आगे जब जोड़े तो इस वाले 1 को भूल ना जाए, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब देखिए 6 है और 3 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 को और हम लोग लिखेंगे, 1 2 और 3, अब जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक हासिल मिलाकर ये हो गए 10। फिर से 10 आ गया, ठीक है। तो 10 का दाहिना अंक क्या है, 0 है, तो हम लोग 0 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 को नोट डाउन में यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। और फिर से 1 हमारा क्या हो जाएगा, बायां वाला हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 और 2 को हम लोगों को जोड़ना है, तो इसको फिर से मिटा देता हूँ मैं और फिर से जोड़ता हूँ, 1 2, ठीक है। 2 लकीरें हमने खींच दिया, फिर से 4 और खींचेंगे, 1 2 3 4, अब जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और हासिल 1 मिलाकर दोस्तों ये हो जाएगा 700। तो ये दोस्तों हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, घटाव बनाना है, ठीक है। यहाँ पर घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि घटाव बनाना है। तो ये है 7, 7 में से 9 को घटाना है। तो दोस्तों 7 में से 9 को घटाएंगे तो कभी घटेगा ही नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 7 जो है वो 9 से कम है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 7 मान लो कि आपके पास 7 यहाँ पर सेब है, ठीक है। और कोई बच्चा आया, बोला हम लोग 9 बच्चे हैं, हमें सबको एक एक सेब चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे भाई हमारे पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपने छोटे भाई से बोलेंगे भाई मुझे कर्ज दे दो, मैं तुमको दे दूंगा। तो इसने क्या किया, कर्ज ले लिया। तो ये जब कर्ज लिया तो ये हो गया 17, ठीक है। अब 17 में से 9 को घटाएंगे, तो ठीक है 17 में से 9 को आइए घटाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 को घटाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लकीरों को हमने यहाँ पर काट दिया, बाकी जो बचे इसको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 17 में से हम लोगों ने 9 को घटाया तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग 8 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 7 ने जब अपने भाई से यहाँ पर कर्ज लिया तो ये जो 5 था वो अब क्या हो गया, वो दोस्तों अब यहाँ पर 4 हो चुका है, ठीक है। भले ही ये 5 है लेकिन ये क्या है, एक कर्ज में है, ठीक है, क्योंकि इसने एक अपने बगल वाले बड़े भाई को 7 को दिया था, तो ये 4 ही है, ठीक है, ना कि ये 5 है। तो दोस्तों 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 4 में से अगर कभी भी हम लोग 1 2 3 4, 4 में से 2 को काटेंगे तो 1 और 2, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास 2, ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये 3 है, तो 3 तो किसी को कर्ज दिया नहीं था इसीलिए 3 अभी भी 3 ही है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे दोस्तों ये हो जाएगा 1, ठीक है। कितना आसान था यहाँ पर देखा आप लोगों ने। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। अब देखिए, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणा बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गुणा हम लोगों को 2 से गुणा करना है सारे अंकों में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 का पहाड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में प्रॉब्लम ना हो। 2
चार छः आठ, दो पंचे दस, दो छके बारह, दो सते चौदह, दो अठे सोलह, दो नवा अठारह, सॉरी अठारह, और दो दहके 20। ये पहाड़ा मैंने लिख दिया। अब दो के पहाड़े को दो बार पढ़ेंगे, ठीक है, फिर दो के पहाड़े को 6-7 बार, फिर दो के पहाड़े को 5 बार। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे और जो भी हासिल आएगा उसको अगले संख्या में जोड़ते जाएंगे। हासिल तो तभी आएगा जब संख्या 9 से बड़ी यानी कि 10 या फिर उससे ज़्यादा हो। तो आइए दो के पहाड़े को दो बार पढ़ेंगे। दो एकम दो, दो दूना चार, ये क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं चार, ये हो गया। अब दो के पहाड़े को 7 बार पढ़ेंगे। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पंचे दस, दो छके बारह, दो सत्ते चौदह। तो दोस्तों ये जो 14 है, 14 का दाहिना अंक क्या है, चार है। तो चार को फिर से नोट डाउन करेंगे। एक हमारा हो गया हासिल, जिसको मैंने अगले संख्या के ऊपर में लिख दिया है। दो के पहाड़े को दोस्तों पढ़ना है 5 बार। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो छके आठ, दो पंचे दस, ये वाली है, ठीक है। तो 10 और हासिल एक मिलाकर हो जाएंगे 11। 11 का दाहिना अंक होगा एक, लिख दिया, पर बायां अंक भी हम लोगों का एक है, तो ये क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। इसको मैंने अगला संख्या पर यहाँ पर लिख दिया। अब आइए दो के पहाड़े को फिर से 2 मरतबा पढ़ना है, सॉरी 3 मरतबा पढ़ना है। तो दो के पहाड़े को 3 बार पढ़ेंगे। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, और हासिल एक मिलाकर दोस्तों ये हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद देखिए दो के पहाड़े को सिंपली 2 बार पढ़ना है। शुरू में भी हम लोगों ने पढ़ा था तो 4 आया था, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। और यही दोस्तों हो गया हम लोगों का आंसर। देखा कितना आसान है दोस्तों यहाँ पर बनाना। अब आइए इस पहाड़े को हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को भाग बनाना है। यहाँ पर गुना करना था और यहाँ पर भाग लगाना है, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो देखिए भाग लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पर दो के पहाड़े में देखना होता है कि ये संख्या कितने बार में आती है, ठीक है। तो दो के पहाड़े में दोस्तों 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता, तो उससे कम आता है 4, कितने बार में, 2 बार में। तो 2 बार में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 से कम। नियम ये कहता है कि संख्या उसके बराबर हो या उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ेंगे, तो 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और ये उतर जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये सिंपली यहाँ पर बच जाएगा 1। अब क्या होगा, 2 के पहाड़े में तो 1 आएगा नहीं, ठीक है। तो इस वाले 7 को नीचे यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 के पहाड़े में 17 आता है क्या, 2 एकम 2, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पंचे दस, दो छके बारह, दो सौ चौदह, दो अठे सोलह, दो नौ अट्ठारह। 17 तो कहीं पर है ही नहीं, ठीक है। तो 17 नहीं, उससे कम है क्या, हाँ 16 है। कितने बार में आएगा, 8 बार में। तो 8 हम लोग लिखेंगे और ये हो गया हम लोगों का 16। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, एक एक कट जाएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 1। अभी हम लोगों ने देखा ना यहाँ पर जोड़ में, तो देखिए अब ये क्या होगा, 2 जो है वो यहाँ पर उतर जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 12 आता है क्या, 2 एकम 2, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पंचे दस, दो छक्के 12, 6 बार में। 6 को यहाँ लिखेंगे और 12 यहाँ पर लिखेंगे। 12 में से दोस्तों 12 को घटा दीजिए, कितने बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 को भी हम उतार चुके हैं, अब 8 की बारी। 8 को हमने उतारा, 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आएगा भाई, 4 बार में आएगा। अब तो पहाड़ा भी याद हो गया मुझे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 8। 8 में से 8 घटाएंगे, कुछ भी बचेगा क्या, नहीं बचेगा। और यही दोस्तों हो गया हमारा आंसर 2864। ये क्या है, हमारा भागफल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 5728 रुपये को 2 भागों में बांटेंगे तो एक हिस्सा जो है वो कितना हो जाएगा, 2864। देखा कितना आसान था यहाँ पर, जोड़ घटाओ और गुना भाग। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ।